नहीं सारी बात, हम पाकिस्तानी, हम इंडिया को क्यों सपोर्ट? दो बॉल भाई, इसी में जीत जाएंगे ना भाई। जीत गए। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। इंडिया 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 भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है। ब्राजील वर्ल्ड कप विन कर लिया है, तो जश्न मनाया जाए। पूरे हिंदुस्तान की टीम को और पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मेरी तरफ से बहुत 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 सारी बधाइयां, दिल से बधाइयां भाई, दिल से। He came, he saw, and then he conquered. That's why he's the emperor worldwide. Well, Emperor Kohli, well done, congratulations, and congratulations to all the Indian fans around the world celebrating. Let's talk about the Emperor Virat Kohli. India ने साउथ अफ्रीका का पकड़ के पिछली घंटा बजा दिया, क्या बजा दिया, क्या बजा दिया, क्या बजा दिया, क्या बजा दिया। मैम क्या कहेंगी, इंडिया जो है वर्ल्ड कप जीत गया, हमारा पड़ोसी वर्ल्ड कप विन करके ले आए, सारे अंग्रेजों की इस दफा छुट्टी करा दी। जी इंडिया तो जीत गया, पर बाबर के लिए मैं अंडे लाई हूँ, दिल का डर के मुंह तोड़ के जवाब दूं से कि अंडे के लिए रह गया वो सिर्फ। तो भैया हिंदुस्तान की जीत का सेलिब्रेशन हम इस तरीके से मनाने वाले हैं। सबसे पहले तो हमने लिया है चंदन, और हमारे शर्मा जी के बेटे को लगाया जाएगा चंदन का तिलक, क्योंकि आज इन्होंने अफ्रीका वालों के तिलक लगाया है, और इतनी खुशी दी हम हिंदुस्तानियों को, इसलिए मैं ट्रिपल फोटो लाया हूँ शर्मा जी के बेटे की, क्योंकि शर्मा जी के बेटे ने वनडे के अंदर 3 डबल सेंचुरी मारी हुई है, चौथी मार दी हो तो पता नहीं भाई। हाँ तो भैया हम हमारे विश्व विजेता चैंपियन कैप्टन को अब पहनाए जा रहे हैं माला। रोहित शर्मा ठाकुर जी आप पे ऐसे कृपा करते रहे, और आप हमारे को ऐसे वर्ल्ड कप दिलाते रहे, आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाइयां। और अब हम करवाने वाले हैं रोहित भैया का मुंह मीठा, क्योंकि खुशी का मौके पे मुंह मीठा तो बनता ही है। तो रोहित भैया खाइए, आनंद कीजिए, आप मेरी तरफ से चिपक भी गया, और ये सब आपके लिए, मेरी तरफ दिल खुश कर दिया आज भाई ने, दिल गार्डन गार्डन। तो भैया एक काम अधूरा रह गया था, क्या है, हम रोहित शर्मा के सामने तो जा नहीं सकते, बात तो सही है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है, VIP हस्ती है, तो हम हमारे रोहित शर्मा को, हमारे कैप्टन को हम यहीं से ही पुष्प अर्पण कर देते हैं। रोहित शर्मा जिंदाबाद, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, पूरी टीम जिंदाबाद, पाकिस्तान, पाकिस्तान। तो भैया हमारा वर्ल्ड कप सेलिब्रेशन ये हो गया है, आप अब किस तरीके से मना रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में बता देना, और एक बार फिर से आप सबको हिंदुस्तान का वर्ल्ड कप जीतने की बहुत 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 सारी बधाइयां। मेरा दिल तो गार्डन हो रहा है, क्या बोलूं भैया, क्या बोलूं, इतनी आतिशबाजी की, इतने पटाखे छोड़े, और इतना जश्न, इतना सेलिब्रेशन, कमाल भैया, कमाल कमाल कर दिया टीम इंडिया ने। रोहित शर्मा का जो दर्द था ODI के फाइनल का, T20 के फाइनल का, अब रोहित शर्मा शांति से अपनी विदाई ले सकता है T20 से, हालांकि मुझे नहीं लगता अभी लेनी चाहिए, जब तक वो खेल सकते खेले, लेकिन दिल खुश कर देता शर्मा जी के लौंडे, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। कोई काम नहीं हमारी टीम का, ये वर्ल्ड कप इन्हें विन करना चाहिए था, करना चाहिए था इनको, तो ये अंडे बाबर के लिए, यस बाबर, ये अब अंडों का किंग रह गया है जी। पहले बाबर घंटे का किंग था, अंडों का किंग है। हम क्या कहते हैं यार, हम हार गए हैं, हमारे बॉलर भी रिले डाले, फील्डर भी रिले डाले, हमारे बैट्समैन भी रिले डाले, वो हिम्मत नहीं हारते, वो मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक किसी का जो मेहनत करता है। जी भाई जान आपने बहुत अच्छी बात की, जिस तरह आज विराट कोहली खेले है, मैं कहता हूँ कि मैं 76 स्कोर किया विराट कोहली ने, बहुत अच्छा खेला विराट कोहली को, ये सारा क्रिकेटर जाता है देखे। रोहित शर्मा भी कह रहे रिटायरमेंट लेने वाले, रिटायरमेंट से पहले इतना बड़ा तोहफा इंडिया को दे दिया, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दे दी, जश्न, ये जश्न यहाँ पर होगा जी भाई जान। सर आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, क्रेजी फैन, क्रेजी रिएक्शन, T20 वर्ल्ड कप, बेसिकली मेरा पड़ोसी मुल्क है तो मैं नहीं इसको कुछ कहूंगा। क्या हो गया, क्या हो रहा, उदास हो गया? नहीं सारी बात, हम पाकिस्तानी, हम इंडिया को क्यों सपोर्ट? अगर यहाँ पे पाकिस्तानी टीम होती क्या नजारे होते, हमारी तो यहाँ जश्न होता, फिर तो जश्न होता, इंडिया में जश्न हो रहा है ना, इंडिया में हो रहा है ना, पाकिस्तान में होता, तो जारी बात है, अगर पाकिस्तान फाइनल में आता तो पाकिस्तान जीता होता इस टाइम। भाई हमारी क्रिकेट का बेड़ा किसने खराब किया है, वो तो हमारे नसीब जान ने किया।
बाबर आजम ने की है। बाबर आजम को तो किंग कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बाबर आजम का कोई कसूर नहीं है, मैं बताता हूँ। ये पाकिस्तान टीम में एक लोबी चली है, जो जिसका भी कसूर है ना, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम एक वर्ल्ड कप खेलने गए थे, हमें एक स्पोर्ट्समैन स्पिलर का मुजाहरा करना चाहिए था, हमें अपने मुल्क की अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहिए था, ना कि हम अपनी अना को जीत को आड़े लाते, ना कि हम ये भाई हमारे हैं, हम हारे यार, इंडिया जीत है हमारा, कोहली आप क्यों नाच रहे हो? विराट कोहली ने कितनी अच्छी बैटिंग की है, अपनी टीम को लेके गए हैं और वर्ल्ड कप। हाँ जी, डांस होना चाहिए, डांस होना चाहिए भाईजान, आप खुशी मनाए। हाँ जी, बुमराह की बॉलिंग है ना, आउट आउट क्लास बॉलिंग, उसने जादू किया है, उसने जब बॉल कराई है उसने उस पे जादू करके जब गोल किया है, शू मंत्र उसने किया, शू मंत्र भाई, कोई शू मंत्र नहीं है, टीम ने मेहनत की है। इस तरफ की ऑडियंस भी बात करेंगे। इंडिया को कंग्रेचुलेशन कहूंगा, मुबारकबाद दूंगा दिल की हताकराइयों से कि उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की पूरे वर्ल्ड कप में। उसके बाद जसप्रीत बुमराह की जो बॉलिंग है पूरे वर्ल्ड कप में फर्स्ट क्लास रही है। उसके बाद विराट कोहली जो पिछली बहुत सारी इनिंग्स में नहीं चल पाए थे, उन्होंने आपको बेसिकली देखा जाए ना तो इनका विराट कोहली ही मैच बना गया। अगर जैसे यूएसए के खिलाफ भी नहीं जीत सके, उनके हर एक बॉलर ने परफॉर्म किया, उनका एक बॉलर नहीं चला, दूसरा चला, तीसरा नहीं चला, चौथा चला, एक बैट्समैन नहीं चला। अगर रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही तो वो टीम को साथ लेकर चला, उसने ये नहीं कहा इसने फलां नंबर पर बैटिंग करनी है, इसने फलां नंबर पर बैटिंग करनी है। आपने सारा मलबा एक दो प्लेयर्स पर डाल दिया पाकिस्तान टीम का। आपको पता है इन्होंने कहा कि ये 5 साल के बाद रिटायरमेंट लेने के बाद आमिर कैसे आके ये परफॉर्म कर पाएगा, और आमिर ही देखें आपका जो T20 वर्ल्ड कप में एक मैन ऑफ मैच बना है। आप अपनी गलतियां गिनवाते रहे सर, आज बहुत बड़ा दिन, एशिया के अंदर कप आ गया है। इंडिया ने भी 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता। आज जिस तरह से इंडिया के बॉलर ने परफॉर्म किया, इंडिया की बैटिंग ने जिस तरह से साउथ अफ्रीका के छक्के छुड़ा दिए, क्या कहेंगे? मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यही कहना चाहूंगा कि ये सबक है पाकिस्तान के लिए। ठीक हो गया, कैसा सबक? मतलब कि देखें कि उन्होंने किस तरह मैच का जो पास है वो पलट दिया। सही हो गया। अचानक तो इसी तरह पाकिस्तान की जो टीम को उसको भी इसी तरह परफॉर्म करना चाहिए कि मतलब के लग रहा हो कि ये हार रहे हैं जिस तरह उन्होंने मतलब के पास। 2007 के बाद 2024 इंडिया ने बहुत स्ट्रगल की, एक बहुत लंबे पीरियड के बाद आज जो है वर्ल्ड कप इंडिया जीत चुका, और इंडिया वाकई डिजर्व करती, जिस तरह शोएब अख्तर कह रहे थे कि इंडिया डिजर्विंग टीम है और हमारी सपोर्ट इंडिया के साथ है, क्या कहेंगे आप? जैसी बैटिंग विराट कोहली ने की है वो बड़े मैच का प्लेयर है, उसने दिखाया कि वो बड़े मैच का प्लेयर है, ठीक है। जैसी बॉलिंग आज बुमराह ने की है, हर्षदीप सिंह ने की है और हार्दिक पांड्या ने की है, बहुत अच्छा आज इंडिया ने एफर्ट किया है, इस वजह से वो वर्ल्ड कप जीते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, मेरा दिल था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा, लेकिन वो आज तक वर्ल्ड कप नहीं जीते, दिल दुख है एक तरफ से, क्योंकि एक तरफ से इंडिया जीता है वो भी दिल खुश हुआ है, लेकिन साउथ अफ्रीका को जीतना चाहिए था। सिंपैथी थी साउथ, अच्छी जितनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस की, डेविड मिलर ने, एनरिच क्लासन ने, उसके बाद डी कुक ने बहुत अच्छा आज खेला है, इतनी अच्छी बैटिंग करने के बाद भी वो नहीं जीते। बात है सर, आप क्या कहेंगे? छोटे छोटे फैंस आज इंडिया की परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं, 8 के 8 मैच जीते, वर्ल्ड कप अपने नाम करवा दिए। साउथ अफ्रीका बड़ी ही स्मार्टली खेली, 169 रन पे जो है इंडिया जो है वो साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करके जो है समझे 7 रन से इंडिया जीता है। बहुत टफ मैच, आखिरी बॉल तक दिल की धड़कन ने धक 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 में रुकी थी। देखिए इंडिया ने एफर्ट की है, उनकी बैटिंग बॉलिंग सब अच्छी रही है, उन्होंने स्टार्ट से एफर्ट किया है तो आज वो कप भी लेके गए हैं, और उसके बदले हम अगर पाकिस्तान की टीम का कंपैरिजन करें तो हमारी टीम में ग्रुपिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये लेग फोलिंग है, ग्रुपिंग है, इसलिए ये आगे नहीं जा सकते। इंडिया ने अच्छा खेला है, अच्छा बैटिंग की है, अच्छी बॉलिंग की है, इसलिए वो कप भी लेके चला गया। सर कप्तान का कितना बड़ा हाथ है, रोहित शर्मा जो कि अपने रिटायरमेंट के करीब, हो सकता है कि इस विनिंग के बाद वो अपनी रिटायरमेंट दे दे, हो सकता है विराट कोहली भी रिटायरमेंट अपनी दे दे, लेकिन जो रिकॉर्ड वो बना गया है ना, वर्ल्ड कप भी जीता और कोई मैच भी नहीं हारा, बहुत से रिकॉर्ड बना गया है एब्सोल्युटली, और इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत अच्छा बैट है और उसने बहुत रिकॉर्ड बनाए हैं और वो डिजर्व करता है कि जितने उसने रिकॉर्ड बनाए हैं। वेल डन इंडिया, वेल डन टीम इंडिया। सर 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 बात करेंगे कौन बात करेगा, आप बात करेंगे सर, क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप इंडिया ने विन किया, साउथ अफ्रीका ने भी बहुत टोटली इंडिया को सपोर्ट किया, बहुत अच्छा काम किया और इंडिया वाले को सबको कंग्रेचुलेशन, इंडिया वालों को कांग्रेचुलेशन, जबरदस्त। आपको लग रहा था जिस तरह मैच अटक गया था वो सारा का सारा क्रेडिट जसप्रीत बुमराह को, 3 मेन विकेट उसने लिए, बुमराह को जा रहा है बिल्कुल,
और एक पड़ोसी मुल्क होने के नाते, एक पाकिस्तानी होने के नाते सारे इंडिया वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी सर, थैंक यू सो मच। मुबारकबाद जो है पाकिस्तानी चैनल से आप तक पहुंच रही है।